संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को 12 बजे दिन चक्कर की मिलक मुरादाबाद स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के अनेक नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निवर्तमान सपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंघल ने इस अवसर पर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है और जो उनके इस कृत्य के खिलाफ बोलने की क्षमता, बोलने की हिम्मत करता है, उसे किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके से केस में फंसा कर जेल में डालने का काम ये सरकार कर रही है। साथियों, असली श्रद्धांजलि बाबा साहब को यह होगी कि जो उन्होंने संदेश दिया है संविधान के माध्यम से, और जो लोग उसमें छेड़छाड़ करके बोलने की आजादी पर अंकुश लगाना चाह रहे हैं, हमें उनके खिलाफ एकजुट होकर मजबूती से इसका सामना करना पड़ेगा। ज्वलंत उदाहरण है अभी उन्नाव का कांड हुआ है, उससे पहले बलात्कार का कांड हुआ, हैदराबाद का कांड हुआ। कानून में, संविधान में इसके लिए कड़े सजा के प्रावधान है। विचार गोष्ठी का संचालन समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के निवर्तमान जिलाध्यक्ष वाहन सिंह यादव ने किया। ये अगले होने के बावजूद भी पिछड़ों को, दलितों को इन्होंने जो सम्मान दिया है बाबा साहब के, उसके अनुसार ये बाबा साहब के बहुत बड़े अनुयायी है। इन्होंने सभी महापुरुषों का यहाँ पार्टी में, जिस दिन से ये जिलाध्यक्ष बने हैं पार्टी में रह के इन्होंने यहाँ जिले पे जितने प्रोग्राम करे हैं, मैं कोई ये बात कहने में कभी गुरेज नहीं करूंगा, निसंकोच कहूंगा कि ऐसा ऐसे प्रोग्राम पीछे कभी जिंदगी में हुए ही नहीं पार्टी कार्यालय में, जो इन नेताओं में हुए। मैं तो इन्हें भी यहाँ मुरादाबाद का छोटे लोहिया के नाम से घोषित है ये, और मैं तो कहूंगा बाबा साहब के भी ये पूरे मुरादाबाद के अनुयायी है, इसीलिए मैं इन्हें वो कहूंगा कि ये आए और अपने दोस्त। काठ के पूर्व विधायक अनीसुर रहमान एडवोकेट ने इस मौके पर बाबा साहेब को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, सभी का ख्याल रखा गया, सभी लोगों का संविधान के अंदर क्या कर्तव्य है और किस तरह से मतलब हमें प्रशासनिक जिंदगी यहाँ हिंदुस्तान में रहकर गुजारनी है, लेकिन बीच बीच में इस संविधान को और इस संविधान से जिन लोगों को खतरा है और जो लोग इस संविधान की वजह से परेशान रहते हैं, वो कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर, चाहे बड़ी संस्थाएं हो या छोटी संस्थाएं हो, संविधान पर हमला करने का प्रयास और कभी कभी हमला किया जाता है, जिससे जिन लोगों के हित संविधान के ने सुरक्षित किए हैं उन लोगों को परेशानी होती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा संविधान को ऊपर का दर्जा दिया है, सरकार चली है तब, और सरकार में अगर नहीं भी रहे हैं तो हमेशा संविधान का पालन किया है। आज हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि हम संविधान की ओर लेते हुए ये प्रण करें कि जितना भी आने वाला वक्त होगा, जिस जिसके लिए संविधान ने व्यवस्थाएं दी हैं, उन लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हम अग्रिम भूमिका अदा करेंगे। इस दौरान वरिष्ठ सपा नेता हाजी नासिर कुरैशी के साहबजादे हाजी आमिर नासिर, सरवर मिर्जा, विजय वीर सिंह यादव, संजीव चौधरी, जयपाल सिंह सैनी, नेम सिंह बहेलिया, यास्मीन सैफी, कुमारी नाग भारती, राजेश्वरी यादव, सतपाल सिंह यादव, नौशाद पाशा, फहीम मंसूरी, हाजी नईम कुरैशी, हाफिज मोहम्मद नसीम, राहत जान सैफी, ब्रजलाल जाटव एडवोकेट, ऋषि यादव, आरिफ चौधरी, प्रेम बाबू वाल्मीकि, महेंद्र सिंह, नाजिम हुसैन एडवोकेट, कुलदीप तुरैहा एडवोकेट आदि भी मौजूद रहे।